एक तरफ मिस्र की राजधानी काहिरा में गाजा में युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ गाजा में नेतन्याहू की सेना अब उन जगहों पर दोबारा हमला करने लगी है जहां से वो निकल चुकी थी। IDF का कहना है कि उन जगहों पर हमास फिर से एक्टिव हो गया है। इसके अलावा रफा में IDF और हमास के बीच की जंग और भी ज्यादा भीषण हो गई है और इसे देखकर लगता है कि कहीं ये युद्ध विराम की वार्ता पर पानी ना फेर दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाजा के तलल हवा में हुए अल कासिम ब्रिगेड के हमले की, जिसमें अल कासिम ने IDF को बहुत बड़ा झटका दिया है। यहाँ पर अल कासिम ब्रिगेड ने खुद की बनाई हुई मिसाइलों से इजरायली सैनिकों पर हमला किया है जो तल अल हवा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा तल अल हवा में अल कासिम ब्रिगेड ने एक IED ब्लास्ट से IDF के 6 पैदल सैनिकों को उड़ा दिया है। अल कासिम ने जिस IED डिवाइस का इस्तेमाल किया है उसे रादिया कहा जाता है। इस हमले के अलावा अल कासिम ने शहलत इलाके में भी इजरायली सैनिकों से भरी जीप को एक IED ब्लास्ट से उड़ा दिया। इसके अलावा इंडस्ट्री स्ट्रीट पर एक और सैन्य जीप को यासीन 105 गोले से उड़ा दिया। अल कासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसने पश्चिमी तलल हवा में 17वें सर्कल पर इजरायल की बख्तरबंद गाड़ी पर शहवाज 3 टाइप से हमला किया है। यहाँ पर IDF के D9 बुलडोजर पर भी राशिद स्ट्रीट पर एक हमला किया गया। आपको बता दें कि ये हमले इतने भयानक थे जिसकी वजह से IDF सदमे में है। वहीं तलल हवा एक्सिस में IDF के मरकावा 4 टैंक के रास्ते में अल कासिम ने एक IED बिछा दिया था और जैसे ही ये टैंक इससे गुजरा वैसे ही ये बारूद फट गया। इसके अलावा अलकुद्स ब्रिगेड ने तलल हवा में एक IED विस्फोटक से IDF के 2 सैन्य वाहनों को उड़ा दिया है। और जब दक्षिण पश्चिम में इजरायली सैनिक इकट्ठा होने लगे तब उनके ऊपर गोला बारूद से हमला किया गया। वहीं नेटजरी मैक्सिस में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। यहां पर अल कासिम के लड़ाकों ने IDF के ऊपर रजोम 114 mm रॉकेट्स दागे हैं और अल कासिम के साथ साथ अलकुद्स ब्रिगेड ने भी यहां पर IDF के एक कमांड सेंटर पर मोर्टार गोले फायर किए हैं। वहीं अल कासिम ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें IDF का एक टैंक दिख रहा है जिसके परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अलक्सा ब्रिगेड के वीडियो में सामने खड़े इजरायली टैंक के ऊपर दनादन रॉकेटों से हमले हो रहे हैं। वहीं अलकुद्स ब्रिगेड ने तो सुजैया इलाके में IDF पर हैवी कैलिबर मोर्टर और रेगुलर 60 कैलिबर गोलों से हमला किया है। अलकुद्स के वीडियो में हरियाली के बीच से ताबड़तोड़ रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। वहीं इस सबके बीच अल मुजाहिदीन ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि उसने हसेब 111 मिसाइल बना ली है जो पूरी तरह से लोकल है। मुजाहिदीन के वीडियो में ये मिसाइलें साफ देखी जा सकती हैं।